तो वही पंजाब कांग्रेस आज अपने सीएम उम्मीदवार के चेहरे का ऐलान करने वाली है। राहुल गांधी आज लुधियाना के दौरे पर होंगे, जहां पर वो एक वर्चुअल रैली करेंगे और इसे पंजाब की 117 विधानसभा सीट पर लाइव दिखाया जाएगा। इसी वर्चुअल रैली में राहुल गांधी पंजाब में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के नाम का ऐलान करने वाले हैं। जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच आज पार्टी प्रदेश में बड़ा ऐलान करने वाली है। आज कांग्रेस पंजाब में अपने सीएम कैंडिडेट के नाम की घोषणा करेगी। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लुधियाना के दौरे पर जाएंगे। लुधियाना में वो एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं और इसी वर्चुअल रैली से वो पंजाब कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार का नाम ऐलान कर सकते हैं। राहुल की ये वर्चुअल रैली पंजाब के सभी 117 विधानसभा सीटों पर लाइव दिखाई जाएगी। मगर पंजाब में कांग्रेस की जो हालत है, उसे देखते हुए ये सवाल भी उठता है कि जिस नाम का ऐलान किया जाएगा, उसके साथ पार्टी के बाकी कितने लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच की कलह किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में जब राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर गए थे, तो वहाँ उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि जो भी पंजाब में पार्टी का नेतृत्व करेगा, दूसरा उसका साथ देगा। एक ही व्यक्ति लीड करेगा और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा। कांग्रेस नेतृत्व सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान आज करेगा। एवरीवन सेफ। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कल ही कह दिया था कि सीएम कौन बनेगा ये जनता तय करेगी, जिसके पास 60 विधायक होंगे वो सीएम बनेगा। लेकिन आज पंजाब ने एक बड़ी चीज तय करनी है, बड़ी चीज तय करनी है। मुख्यमंत्री तां बनूगा जे 60 एमएलए होंगे, कोई 60 एमएलए की गल नहीं करता। पंजाब में कांग्रेस के लिए पिछले एक साल से काफी मुश्किलें आई हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम पद और पार्टी से इस्तीफा देना और फिर चरणजीत सिंह चन्नी का सीएम बनना, लेकिन पंजाब में पार्टी की अंदरूनी घमासान तो तब भी नहीं रुकी। कई मौकों पर सीएम चन्नी और सिद्धू आपस में टकराते हुए नजर आए। 6 तारीख को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस होना है, एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाना, राहुल गांधी जी एड्रेस करूंगे, मैं उन्होंने नाल होऊंगा। ठीक है, बाद सारा इंतजाम कर दो। ठीक है, ये ना उन्होंने हाथ है ना मेरे हाथ है, पंजाब के लोगों के हाथ। लोग फैसला करेंगे, असी पॉलिसियां देइए, असी एजेंडा देइए, असी करना की है तो दसीए। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता अकेले पंजाब में है और उसे आम आदमी पार्टी के साथ साथ अकाली दल से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी का गठबंधन भी मैदान में है। ऐसी स्थिति में पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसके हाथ से ये राज्य भी निकल जाए। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि उसे न सिर्फ विरोधी पार्टियां बल्कि अंदरूनी कलह से भी जूझना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।